चलो मैं नहीं जाऊँ, मैं कहती हूँ चलो, नहीं मैं नहीं जाऊँ, चलो मैं चलना ही पड़ेगा, तुम्हें चलना ही पड़ेगा, मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा। मैंने समझ लिया कि तुम्हारा कानपुर में कुछ नहीं हो सकता। थक गई हूँ तुम्हारे नल्लेपन का बोझ ढोते ढोते, अब नहीं ढो सकती और तुम्हारा बोझ। बेबी बेबी मैं नल्ला नहीं रहूंगा, नल्ला नहीं रहूंगा, मैं लोगों के बर्तन धोऊंगा, झाड़ू पोछा करूंगा, मुझे जुदा मत करो भाभी, मतलब अपना ये कानपुर से प्लीज। मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाली। मैं नहीं जाऊंगा। भाभी जी, भाभी जी, क्या हुआ, कहाँ जा रही हैं आप? बस तिवारी जी, हमारा इतना ही दाना पानी लिखा था कानपुर में, जा रहे हैं हम दोनों अमेरिका। क्या कह रही हो भाभी जी, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। जाइए अनीता जी, ना ही जाइए, ना रुक जाइए। मैं भी तो नहीं जाना चाहती अंगूरी जी, लेकिन क्या करूं, कुछ नहीं हो रहा है विभू का यहाँ कानपुर में, देखिए ना, यहाँ रहते रहते और बिगड़ गया है। तो आप चिंता क्या कर रही हैं भाभी जी, हम है ना, हम सुधार देंगे इनको। आप क्या खाक सुधारेंगे, आप तो खुद ही बिगड़े हुए हैं। दीवारी जी, भाभी जी, प्लीज रोकिए ना, दादू को रोकिए ना, प्लीज रोकिए। नहीं रुक सकती। नहीं भाभी जी, नहीं, अगर आप गई तो आपको हमारी लाश पर से होकर गुजरना होगा। ड्राइवर साहब, इन पे से गुजर जाइए। वो ड्रम नहीं, ड्रीम होता है पगली। सही पकड़े हैं। और कौन बुरा सपना देखेगा? बहुत ही भयानक सपना देखे पगली। कौन सपना देखे? हम सपने में देखे कि भाभी जी मार्टन कॉलोनी छोड़कर जा रही है। अदिया, और काहे छोड़कर जा रही हैं? अरे उन नल्ले भभूती जी की वजह से। और फिर आप ना ही रोके उनको? अरे हम तो बाकायदा भाभी जी की टैक्सी के सामने लेट गए। अदिया, फिर क्या हुआ? होना क्या था पगली, भाभी जी की टैक्सी में रोनती हुई चली गई। आपको कहीं चोट तो ना ही लगा? एक नंबर की बोडम हो। अरे बस सपने में लगी थी, हकीकत में नहीं। सुबह का सपना सच हो जाता है लड्डू के भैया। ऐसा कुछ नहीं होता है, काश ये सपना सच ना हो, क्योंकि हम भाभी जी को बहुत चाहते हैं। क्या बोले? कुछ नहीं, सुनो। विभो, क्या हुआ, ये देर से किचन में घुसे हुए हो, तुम्हारी कॉफी बनी कि नहीं? यार मेरे दो ही हाथ हैं, और तुम हमेशा इतनी उतावली क्यों रहती हो यार? मैं उतावली ना हूं ना तो इस घर में कोई काम टाइम पर ना हो। नहीं, स्लो हो ना तुम। एक्सक्यूज मी, मैं स्लो? माफ कीजिएगा, मैंने जिंदगी में हर काम वक्त से पहले किया है। पैदाइश से एक हफ्ता पहले मैं दुनिया में आ गया था। फटाफट उनसे रोमांस किया, फटाफट प्रपोज किया और फटाफट शादी करी। तो किस एंगल से स्लो हुआ बताइए जरा मुझे आप। बातें करा लो, बातें करने में तुमसे कोई नहीं जीत सकता। ट्रम्प का फोन आ गया क्या? अरे मार्क इज कॉलिंग, मार्क शुतुरमुर्ग, माय ब्रदर। हाय मार्क। हेलो माय डियर सिस अनु, हाउ आर यू? तुम कैसे हैं? आई एम गुड मार्क, हाउ आर यू? लॉन्ग टाइम। आई एम फिर एंड फाइन, अच्छे हैं। अच्छा आप ये बताओ, हाउ इज अंकल? ओह ही इज गुड, ही इज एंजॉयिंग लाइफ यू नो। तुम बताओ क्या हो रहे हैं, और वो तुम्हारे हस्बैंड कैसे हैं, वो क्या नाम थे उनके, वो भूति, भूति, यस आई रिमेम्बर, भूति कैसे हैं? He's calling you भूति। Why is she laughing me? What's so funny? भूति नहीं, उसका नाम विभूति है। Oh whatever।
हाँ विभू इज फाइन गुड 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 अच्छा सुनो सिस ए मैंने सुने हैं कि वो नल्ले ही हाँ वो तो है अच्छा और तुम भी कुछ काम वाम कर रहे हैं कि नहीं मैं तो बस अपनी ग्रूमिंग क्लासेस से किसी तरह गुजारा कर रही हूँ What do you mean by गुजारा कर रही हूँ अरे मैं तुम्हारे ब्रदर मार्क शुतुरमुर्ग इधर जिंदा ही तुम एक काम करो तुम अपने इस नल्ले हस्बैंड को लेके इधर अमेरिका आ जाओ ब्रिंग दैट वेस्ट टू द वेस्ट लीव ऑन मी द रेस्ट मैं इधर तुम दोनों के लिए एक अच्छी जॉब ढूंढ के रखे हैं व्हाट रियली क्या बात कर रहे हो एक काम करो जल्दी से इधर आने की तैयारी करो और अपने सारे डिटेल्स मुझे मेल करो मैं तुम्हारे वीजे के लिए अप्लाई करेंगे थैंक यू सो मच मैं अभी अभी तुम्हें अपनी डिटेल्स मेल करती हूँ और सुनो सुनो मैं ना तुम्हें रात को फिर से कॉल करूंगी फिर से बात करेंगे हाँ रात को कॉल करो तुम्हारी रात मेरा दिन होता है सो मच मार्क थैंक यू बाय काम डाउन क्या हुआ कहता हूँ उछल क्यों रही हो यार अमेरिका अरे मैं अमेरिका जा रही हूँ मुझे अमेरिका में जॉब मिल रही है मार्क ने मेरे लिए जॉब ढूंढी है वेरी गुड तो कब जा रही हो तुम बस अगले महीने एक मिनट हेलो मैं अकेले नहीं जा रही हूँ तुम भी चल रहे हो मेरे साथ मैं क्या करूँगा जाकर मतलब तुम्हारा पर्सनल बॉडीगार्ड या नौकर मार्क ने तुम्हारे लिए भी वहां नौकरी ढूंढी है वी आर गोइंग टू अमेरिका मैं सिर्फ अमेरिकानो पीऊंगी वो भी अमेरिका में ये कॉफी तुम पी ये और अगर मैं चला गया तो भाभी का क्या होगा यहाँ पे मलखान आया टिल्लू हाँ यार मैंने है ना कल रात एक सपनों देखो यार क्या सपना देख लिया भाई ये कि किसी लौंडिये ने तुझे चप्पलों से पीटा है क्यों मैं सपने को देखने लगा भला अब भैया बात ऐसी आ गई ठीक और मोकू तो छोरिया ना वैसी चप्पलन से रोज पीटती रहती है अब जा बात में सपना देखने की का जरूरत पड़ गई भैया ये बात भी बिल्कुल ठीक कह रही है तू वैसे क्या सपना देख लिया टीका मैंने देखो कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ अमेरिका यार ठीक है सपने पे थोड़ी ना GST लगे सपना तो कोई भी कुछ भी देख सके अंदर की बात यह भैया कि मैं भी रोजाना सपना देखूं कि मेरा कंजूस घटिया सेठ मेरी तनख्वाह दे रही है लेकिन जे सपना आज तक पूरा ना हुआ हाँ यही रंग ढंग रहा ना तो कभी ये सपना पूरा होगा भी नहीं क्या बात कर रहे हो सेठ जी पास में कर दुकान पर बैठने के बजाय यहाँ बैठा बदतमीजी कर रहा तू दोस्तों के साथ बैठा हूँ अपने अरे 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 भैया तिवारी तुम ठहर जाओ अरे दादा भैया तिवारी अपने जी बुजुर्ग हथे ना बढ़िया बात कह के चले गई हैं दहेज ले आई भाई लुगाई और सारे उधार पर रखो बहु नौकर ये सारे बहुत जल्दी सर चढ़ जाते हैं ओ दरोगा जी हमारे फड्डे में तुम अपनी टांग क्यों घुसेड़ रहे हो अगर सेठ जी के लिए इतना ही दूध उतर रहा है तो तुम दे दो मेरी तनख्वाह काय बे नहीं नहीं हम काय दे दें तेरी तनख्वाह तूने हमारी का लुगाई के लहंगा धोए हैं कि हमें बच्चन की फलरियां सुखाएंगे सारे ओ दरोगा जी तमीज के पजामे में रही आई समझ में चुम्मा दे चुम्मा
नमस्ते। नमस्ते। हेलो तिवारी जी। हेलो हप्पू सिंह जी। वाह भाभी जी वाह, क्या बात है, पहली बार आपको इस अवतार में देख रहे हैं। गोरी मैम, हम भी आपको पहली बार ऐसे देख रहे हैं। कसम से कह रहे हैं, आप आंखन में नहीं समा रही हो, बहुत खूबसूरत लग रही हो। हमें तो ऐसा लगो जैसे इंग्लैंड की राजकुमारी कानपुर की गलियन में आ गई अचानक से। ये आप इतनी चमचागिरी का अपील रहे हैं जी, का बकवास कर रहे तुम? चमचागिरी नहीं कर रहे गोरी मैम की, दिल से तारीफ कर रहे हैं, अंदर से सच दिल से तारीफ समझते हो तुम? लेकिन क्यों कर रहे हैं, क्यों? सरकार ने आपको वर्दी लोगों की सेवा करने के लिए दी है, महिलाओं की तारीफ करने के लिए नहीं दी, समझे? ठीक है, लेकिन हम गोरी मैम की तारीफ कर रहे हैं तो तुम्हारे गुर्दा काय लाल हो रहे हैं सारे खोखा पे। तुम एक मिनट, आप लोग क्यों खामा खा बहस कर रहे हैं आपस में? ना ना गोरी मैम, कौन बहस ना कर रहे, हमने आपको अच्छो ऐसा लगो हमें, हमने तारीफ कर दी। क्यों की आपने तारीफ? मैंने तो आपसे नहीं कहा कि आप मेरी तारीफ करें। गोरी मैम क्या बताएं, अंदर से हमारे शब्द ऐसे टपकन लगे आपको देख के। तो अपना मुंह सिल लीजिए ना। तिवारी जी, अगर हप्पू सिंह जी मेरी तारीफ कर रहे हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम है? नहीं नहीं भाभी, दरअसल प्रॉब्लम कुछ नहीं है। आप रिलैक्स कीजिए तिवारी जी, हाँ, और आप भी हप्पू सिंह जी, और आपस में झगड़ा मत कीजिए। नहीं भाभी जी, ऐसी बात नहीं है, दरअसल हम तो ये जानने के उत्सुक हैं कि आपने अचानक ये साड़ी छोड़कर ये पश्चिम वेशभूषा क्यों धारण कर ली। एक्चुअली वो क्या है ना तिवारी जी, जी, कि हम हमेशा के लिए अमेरिका शिफ्ट हो रहे हैं। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया, तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत। ओके बाय 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 बाय। अरे अमेरिका अमेरिका, देखो मैं कह रहा था ना कि मैं अमेरिका जाऊंगा, देख मेरी बात सच आ गई मेरी बात, अब मैं अमेरिका जाऊंगा। अबे टीका, मैं भी जाऊंगा अमेरिका। ए जादिमो, मैं भी जाऊंगा अमेरिका। अमेरिका राम तोरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते, राम तोरी गंगा दिया। अभी अगर मैं अमेरिका चला गया तो ये सुरों की धारा मेरे कानों में कैसे पड़ेगी, आपके हसीन चेहरे के दीदार कैसे कर पाऊंगा मैं? दिया, आप कब आए भरभूति जी? अभी हम तो कब से आए हुए हैं, बस तो जाने की तैयारी है। लेकिन अफसोस की इस बात का मैंने कई बार आपको एहसास दिलाने की कोशिश की, लेकिन आप का बोले के जाल में अटकी रहीं। का बोले? मुझे मालूम था कि आज भी कोई जवाब नहीं आएगा। आप का बोलते हैं ना, हमरे कच्चू ना ही समझ आता है। इसी बात का तो अफसोस है भाभी जी, इसी बात का तो रोना है। का बोले? भाभी जी, मैं अमेरिका जा रहा हूँ। हाँ तो ये तो बहुत अच्छा बात है, इतना उदास काहे हो रहे हैं? अमेरिका जाकर अब आप नल्ले ना ही रहेंगे। अच्छा भाभी जी, ऐसी जनरली अगर मैं अमेरिका चला गया तो आपको मैं कितना याद आऊंगा? हाँ याद तो आएगी हमको, बहुत याद आएगी, बहुत याद। रियली? आपकी और अनीता जी की हमको बहुत याद आएगी। anyway, ये बताइए कि आपको मेरी कौन सी चीज बहुत याद आएगी, मतलब कोई ऐसी मेरी हरकत या मेरी पर्सनालिटी में कुछ ऐसा कुछ जो आपको बहुत याद आएगा? चल मीना भावे जी, प्लीज
Come on, be a sport. Yeah. हमको ना आपका उर्दू बहुत याद आएगा लेकिन आपको मेरी उर्दू समझ नहीं आती हाँ इसीलिए तो याद आएगा हम ये याद करेंगे कि आखिर आप बोलते कहाँ थे अब सिर्फ आपको उर्दू मतलब उर्दू याद आएगी भाभी जी और कुछ भी याद नहीं आएगा मेरे में कुछ भी याद नहीं आएगा I mean, as a person, कुछ भी याद नहीं आएगा, कुछ memories, कुछ anything. चलिए ठीक है, all right, okay, fine. आपको शर्म आ रही ना? मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ. आप बेझिझक, बेशर्म होके बताइए. What you feel? Tell me. क्या miss करेंगे? बताइए. Come on, भाभी. Only yes. नहीं, और कुछ याद नहीं आएगा हमको. अदिया, हमको याद है हम नल खुला छुड़ाए हैं. भाभी जी आप हमें याद करें ना करें लेकिन हम आपको बहुत शिद्दत से याद करेंगे अबे भाभी जी से फुर्सत मिल जाए तो हमें भी याद कर ले मैं कौन बोलता है बे मैं चप्पलों से मारूंगा मैं कुत्ते भाभी जी आई काइंड ऑफ अबे निकल ले आप सिर्फ नाम के मर्द हैं आपका भाभी जी पर कोई कंट्रोल नहीं है आपको मर्द कहलाने का कोई हक नहीं है तिवारी जी लगता है आपको चढ़ गई है तभी आप ये बैकी बैकी बातें कर रहे हैं सही बात तो कर रहे हैं जो आदमी अपनी बीवी को कंट्रोल में नहीं रख सकता वो काय का मर्द है अगर आपकी अनु से शादी होती तो पता चलता काश कुछ कहा हमने कहा कि अगर मान लो हमारी अनु भाभी जी से शादी होती तो क्या होता तब आपको मालूम चलता कि शेरनी पालना कितना मुश्किल कितना खतरनाक है आपने तो एक बेचारी वेजिटेरियन बकरी पाल रखी है जिसके मुंह में जबान भी नहीं है भाभी जी शेरनी नहीं है भाभी जी हिरनी है हिरनी हिरनी नहीं वो शेरनी है शी इज अ वाइट लायनेस चलिए मान लेते हैं कि भाभी जी शेरनी हैं तो आप क्या है गीदड़ शादी से पहले हम भी शेर हुआ करते थे लेकिन जब से कमबख्त शादी हुई है हम गीदड़ बन के रह गए यार आपके इस गीदड़ बनने की वजह से हमारी मोहब्बत भी बर्बाद हो जाएगी आपकी मोहब्बत के बर्बाद हो जाएगी ये हम आपकी और अपनी मोहब्बत की बात कर रहे हैं अरे जी यू लव मी आई लव यू भभूति जी आई लव यू तिवारी जी डोंट अवॉइड किसिंग इधर बस पर हम अब कौन को आई लव यू बोलेंगे हम कौन को गले लगाएंगे अब हमारी तो दुनिया ही लुट गई दादा अबे हप्पू सिंह ये घड़ियाली आंसू क्यों बहा रहे हो बे हम भैया विभूति घड़ियाली आंसू ना बहा रहे जी अगर हम तुम्हें बता देंगे ना कि हम काय रो रहे तो तुम्हारे सारे गुर्दा बाहर निकल आएंगे बात कर रहा हूं मैं तिवारी जी ये क्यों रो रहा था तेरे जा
क्या दिल तो दिल के पास है, तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूंगा, तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूंगा, तू यार बहुत आएगा, तू यार बहुत आएगा तो मैं क्या करूंगा, तू कल बिछड़ जाएगा तो मैं क्या करूंगा, तू कल बिछड़ जाएगा तो मैं क्या करूंगा, तू मुझको भूल जाएगा तो मैं क्या करूंगा, तू कल चला